चलिए आज हम लोग देखते हैं बृहस्पति जुपिटर। तो जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा है। जुपिटर यानी बृहस्पति पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी ग्रह है उसमें सबसे बड़ा है और सबसे भारी है जुपिटर ग्रह जो है वह सबसे बड़ा और सबसे भारी है। इसे हिमरहित ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति को हिमरहित ग्रह भी कहा जाता है। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसे पीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पे सबसे अधिक SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है जो कि पीला रंग का होता है। इसी कारण से यह ग्रह जो है वह पीला हो जाता है। NCERT के अनुसार बृहस्पति के पास NCERT के अनुसार बृहस्पति के पास 16 उपग्रह है। लेकिन शेष किताबों के अनुसार बृहस्पति के पास 68 उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति आज समाप्त हुआ। अगले दिन दूसरा देखें। चलिए ये देखते हैं। देखिए बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.8 घंटा में घूमता है और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग उसे 12 वर्ष लग जाते हैं। बृहस्पति ग्रह का खोज 1610 ईस्वी में हुआ था। बृहस्पति ग्रह का खोज 1610 ईस्वी में हुआ था
इसकी खोज करने वाले थे गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह की खोज करने वाले थे गैलीलियो। इसे रोमेन का देवता या शासक भी कहा जाता है, या शासक भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को फ्रांस में लोग पूजते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सूर्य को लोग पूजते हैं, वैसे ही बृहस्पति ग्रह को फ्रांस में लोग पूजते हैं।